हेलो क्लास सेवन बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन इंटीजर्स और इसकी एक्सरसाइज वन ए आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे हर एक क्वेश्चन को समझेंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं या मैं अपना मोबाइल नंबर भी यानी व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप व्हाट्सअप पर भी अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं आई सजेस्ट यू वीडियो को थ्री फोर टाइम जरूर देखिए ताकि हर एक स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए कोई भी प्रॉब्लम ना रहे ठीक है तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द दब्लेंस यहाँ पर फ्लप्स को बहुत ही केयरफुली हमें देखना है समझना है उसके बाद हम आंसर करेंगे सबसे तो पहले क्वेश्चन नंबर को आई एक बार रीडिंग कर लेते हैं राइट इन द ब्लैंक्स फर्स्ट फिल अप सेमरी द ग्रेटेस्ट दिगेटिव इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होता है ग्रेटेस्ट देखिए जीरो से बाद में हमारे सारे निगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं राइट right? और आप जानते हैं जीरो के लेफ्ट साइड हम जब चलते जाते हैं जितनी दूर होते जाएंगे जीरो से हमारे निगेटिविटी बढ़ती जाएगी यानी वो नंबर आपका स्मॉलर होता जाएगा तो सबसे ग्रेटर जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास निगेटिव वो सा होगा वो होगा माइनस वन क्योंकि वन से हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं निगेटिव ठीक है तो जितने दूर जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे इसलिए ग्रेटेस्ट कौन सा होगा माइनस का बन ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके बाद जीरो इज ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर जीरो बड़ा होता है हर एक डैश इंटीजर से कि तो आप जानते हैं इंटीजर्स हमारे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं एक जीरो होता है जीरो जि का साइन नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है तो ये जो इंटीजर्स होते हैं इसमें जीरो जो होता है हमारा नेगेटिव वाले सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव वाले से छोटा होता है हमारा तो जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा नेगेटिव ठीक है तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उन सबसे बड़ा होता है हमारा जीरो ठीक है सो हमारा सेकेंड फी आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट द एबज वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आई डैश और डैश देन बट नेवर डैश द इंटीजर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर की या तो वो उस नंबर के इक्वल होगी या ग्रेटर होती है लेकिन उससे लेस तभी ही, नहीं होती है ठीक है इसके आंसर में हम क्या राइट करेंगे या फिर हम राइट कर देंगे फर्स्ट वाले स्लप पे इक्वल राइट कर देंगे राइट और दूसरे वाले में हम ग्रेटर राइट कर देंगे ठीक है और जो थर्ड है बट नेवर लेस देन और किससे छोटे नहीं होती है वैल्यू उस इंटीटर से कभी भी लेस नहीं होती है ठीक है या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी यह हमारा आंसर हो गया इसके बाद फोर्थ है द सक्सेसर ऑफ़ माइनस नाइनटी वन सक्सेसर यू नो दैट सक्सेसर होता है किसी भी नंबर में प्लस वन करके जो हमारे पास वैल्यू मिलती है वो सक्सेसर होता है तो माइनस नाइन्टी वन में जब आप वन ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस ही क्वारिटी ज़्यादा है माइनस का साइन लगा देंगे और ये आ आप बचेगा आपका नाइन्टी वन माइनस वन यानी नाइनटी तो माइनस का नाइन्टी आपका सक्सेसर हो जाएगा इसी तरह प्रोड्यूसिस आपसे पूछा है द प्रोडर ऑफ माइनस थर्टी रेडिस्ट से होता है किसी भी नंबर से वन को माइनस कर लेना यानी उससे पहले वाला नंबर तो माइनस थ्री एट्टी और इसमें से माइनस वन कर देंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस लगाकर दोनों वैल्यूज को आउंट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का थ्री एट्टी बन ठीक है तो हमारे पास सभी फिलअप्स हो गए हैं तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू पर कैसे रीडिंग करना है रिप्लेस ईच ब्लैंक बाय लेस देन और ग्रेटर देन उम्मीद दिवन स्टेटमेंट ट्रू या फिर हमको फर्स्ट फार्ट में दोनों नंबर दिए गए हैं माइनस के ठीक है ये दो तो इंटीजर्स हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की कंपेरिजन करते हैं सो फर्स्ट वी सी दैट हिच नंबर इज फार अवे फ्रॉम दिस ज़ीरो जीरो से कौन ज़्यादा दूर है जो जीरो से ज़्यादा दूर होता है वो स्मॉलर होता है जो जी जीरो के ज़्यादा पास होता है वो ग्रेटर होता है तो माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं आप जानते हैं जब हम लेफ़्ट साइड पर चलते हैं जीरो से लेफ्ट पर चलते हैं तो नंबर्स स्मॉलर होते ही चले जाते हैं तो जीरो के पास वाला ग्रेटर होता है जीरो से दूर जा जाने वाला स्मॉलर हो जाता है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट राइट है चल लिखा हुआ है माइनस एट तो माइनस एट इज़ नियर इन द कंपैरिजन ऑफ माइनस एटीन राइट अगर हम एटीन और एट की कंपेरिजन करें तो वो जीरो के ज्यादा नियर होता है माइनस एट माइनस एट हमारा ग्रेटर हो जाएगा जा okay. तो यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन फुट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हम ग्रेटर का साइन लगा देते हैं इसी तरह आप देख पा रहे हैं सेकेंड पार्ट माइनस फोर स्पेस एंड माइनस फोर इज एज नेगेटिव नंबर इट मीन नेगेटिव इंटीजर वायर ज़ीरो इज़ हेयर्स जीरो इज गा इधर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव यू नो दैट तो हमने अभी फ्लप में पढ़ा सर जीरो इज ग्रेटर दैन एवरी निगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटे हो जाएंगे जीरो से ये आप लाइट का साइन हम लगा देंगे ठीक है इसी तरह हमारे पास माइनस थ्री फिफ्टी सेवन एंड माइनस फाइव थ्री सेवन एक थ्री हंड्रेड की सीरीज़ है एक फाइव हंड्रेड की सीरीज है तो फाइव हंड्रेड की सीरीज़ जीरो से बहुत दूर हो जाएगी इन द कम्पेरिजन ऑफ थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड वाला हमारा ग्रेटर हो जाएगा राइट तो हम क्या राइट कर देंगे थ्री फिफ्टी सेवन जो कि माइनस का है माइनस थ्री फिफ्टी सेवन इज ग्रेटर देन माइनस थर्टी सेवन और यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीज दिया है तो नेगेटिव इंटीजर हमेशा स्मॉलर होता है पॉजिटिव से तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे याच का साइन लगा देंगे ठीक है तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सबसे पहले तो रीडिंग कर रहे हैं वैसे थर्ड को रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पर उसका थर्ड है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर को सबसे सब पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं होता क्या है तो एक ऐसा ऑर्डर जिसमें हम नंबर को क्या कर रहे हैं ठीक है थीके? हम नंबर को राइट करते हैं हमेशा स्मोलर टू ग्रेटर राइट तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आएगा स्मॉलेस्ट, राइट स्मॉलेस्ट और लास्ट हुए सबसे क्या आ जाएगा जो so, हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा ग्रेटेस्ट ठीक है तो हमें यहाँ पर माइनस के जो नंबर दिए गए हैं उनको सबसे पहले देखने लगे हैं हमें माइनस के दिए गए हैं माइनस का थ्रेट राइट माइनस का फोर और माइनस का एलेवन ठीक है ये और लास्ट का दिया माइनस ट्वेंटी सेवन ये फोर नंबर हमें दिए गए हैं माइनस के ठीक है तो माइनस के नंबर में आप सबसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दूर जो होता है वो सबसे छोटा होता है और उसके बाद जीरो की तरफ जितने नंबर आते चले जाते हैं वो ग्रेटर होते चले जाते हैं तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन से ठीक है माइनस ट्वेंटी सेवन पहले आएगा क्योंकि तो ये सबसे दूर है जीरो से और ये सबसे छोटा हो जाएगा इसी तरह माइनस इलेवन राइट करेंगे उसके बाद हम राइट करेंगे माइनस एट और फिर माइनस फोर राइट अब हमें माइनस छोट से छोटा नंबर दे दिया है जीरो जीरो ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव इसके बाद के सारे पॉजिटिव नंबर हम राइट कर देंगे ठीक है तो देखिए पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारे पास सबसे तो पहले हमारे पास यहाँ पर फोर आ जाएगा ठीक है फोर से ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है सिक्स है यहाँ पर ठीक है ये वाला सिक्स हम देंगे ठीक है फोर हो गया सिक्स हो गया सिक्स के बाद हमारे पास क्या आएगा नाइन आ जाएगा ठीक है ये नाइन है ये इसको राइट कर देते हैं नाइन से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है ठीक है कर लेते हैं नाइन के बाद हमारे पास थर्टीन है थर्टीन को आइड कर देते हैं और थर्टीन के बाद लास्ट नंबर हमारे पास क्या है थर्टीन के बाद हमारे पास नाइनटीन ठीक है थर्टीन के बाद है नाइनटीन ये हमारे पास नंबर हो गए चेक कर लेते कितने नंबर हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और हमारे पास जो गिवन नंबर है वो कितने हैं वो भी काउंट कर लीजिएगा एंड टेन नंबर हमारे पास दिए हैं टी हमने सभी नंबर राइट कर दिए ठीक है तो इस तरह से आपको इसको राइट करना है करेक्ट ये हमारा जो ऑर्डर हो गया है ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ठीक है इसका अपोजिट वर्क करना है यानी सबसे ग्रेटर से लेकर स्मॉलेस्ट पे जाना है ग्रेटेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लेने पड़ेंगे उसके बाद निगेटिव लेने ले ले पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या देखे हमारे पास पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं राइट right? तो पॉजिटिव नंबर को हम अलग राइट right कर लेते हैं ठीक है और फर्स्ट ट्वेल्व है इसके बाद फोटीन ठीक है इसके बाद थर्टी टू थर्टी टू सिक्सटीन ये हम हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं ये सारे कैसे पॉजिटिव हैं right, पॉजिटिव है राइट पॉजिटिव नंबर के बाद हम स्टार्ट करेंगे जब हमारा नंबर से ग्रेटेस्ट है ग्रेटेस्ट नंबर हमारा इन सब में आ रहा है थर्टी टू और थर्टी टू हमने राइट करना है थर्टी टू के बाद थर्टी टू से छोटा नंबर हमारे पास क्या है सिक्सटीन है ठीक है सिक्सटीन सिक्सटीन के बाद हमारे पास आ जाएगा फोर्टीन तो फोर्टीन के बाद आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व ठीक है तो पॉजिटिव नंबर हमारे सारे होगा उसके बाद हम लिखेंगे जीरो क्लियर अब ज़ीरो के पास सबसे पहले कौन सा आता है जो हमारे पास माइक का वन माइस टू माइस वी इस तरह से आता है तो वहाँ देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा हो माइनस का सिक्स ठीक है माइनस राइट कर देनी माइनस का सिक्स राइट कर दिया हमने ठीक के बाद हमारे पास आता है इलेवन ठीक है यहाँ पर हमने माइनस का तो इलेवन राइट कर दिया है माइनस इलेवन के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा ठीक है चेक करते हैं माइनस इलेवन के बाद आएगा हमारे पास माइनस एटीन ठीक है माइनस एटीन इसके बाद माइनस नाइनटीन राइट माइनस नाइनटीन के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा देखते हमने ये नंबर राइट कर दिया है उन पर हमने टिडी लगा दिया है ठीक है अब हमारे एक नंबर बचा है माइनस का ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री एंड माइनस थर्टी ठीक है ये नंबर हो गई कौन कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन इलेवन टोटल नंबर हमारे पास है यहाँ पर 11 नंबर ए यहाँ पर गीबन है इट मीन्स हमारे सारे नंबर्स राइट right हो गए हैं तो ये हमारा ग्रेटेस्ट चाहिए का और कहाँ तक तक ऑर्डर हो चुका है ठीक है तो ये हमने राइट right कर दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास एड एड कमेंगे क्वेश्चन तो सिंपली हम एज इट इज जैसे राइट करते थे ऐड करने वाले क्वेश्चन से राइट करेंगे सबसे पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट को राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है देखिए माइनस एटीन फॉर प्लस का साइन और फोर्टीन ठीक है अब ग्रेटर हमारा नंबर है एटीन एटीन का साइन लगा देंगे एटीन माइनस फोर्टीन हो जाएगा हमारे पास फोर तो ये हो गया ठीक है सेकेंड पार्ट को देख लीजिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है दोनों नंबर निगेटिव हैं तो दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे ठीक है आप देख लीजिएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स और प्लस माइनस थ्री जब दोनों नंबर माइनस होते हैं तो माइनस लगाकर दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाता है तो जब ये दोनों नंबर ऐड होंगे ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री जितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन ये हमारा आंसर हो गया माइनस ट्वेंटी नाइन राइट इसी तरह जब हम करेंगे थर्ड पार्ट को तो थर्ड पार्ट में हमारा फोर्टी सिक्स है तो फोर्टी सिक्स पॉजिटिव है प्लस करेंगे माइनस का फोर्टी सिक्स आप जानते हैं हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल हमारे पास एक साइन लगने वाला है तो माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वायरस है तो फोर्टी सिक्स वायरस से फोर्टी सिक्स कितना हो जाएगा ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इजी ईजी क्वेश्चन से सारे फोर्थ थर... पार्ट को देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में हमारा फोर हंड्रेड प्लस हम राइट करेंगे माइनस में थर्टी वन ब्रैकेट लगा देंगे इसको माइनस थर्टी वन और प्लस माइनस का ही सेवेंटी वन है इसको हम राइट कर देंगे ब्रैकेट में तो फोर हंड्रेड और माइनस लगा के इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे क्योंकि दो नंबर हमारे माइनस के हैं तो हमारे पास हो जाएगा वन वन टू और सेवन थ्री टेन वन जीरो टू हो गया माइनस का तो जब हम और हंड्रेड पर से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन माइनस टू एट आ जाएगा यहाँ पर अगर नाइन नाइन का नाइन आ जाएगा और यहाँ बचेगा थ्री थ्री वन चलते वन माइनस होगा आपके पास टू तो, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टू हंड्रेड नाइन्टी एट एड करके आ जाएगा आपका आंसर ले वाला ठीक है अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पर जो कि है माइनस थ्री माइनस 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 तीनों नंबर के हैं तो माइनस के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनको एज इट इज राइट करना पड़ेगा जैसे ये हुए माइनस प्लस ब्रैकेट में फोर ट्वेंटी और प्लस ब्रैकेट तो में माइनस सेवन हंड्रेड सभी नंबर माइनस के हैं माइनस लगा के सबको हम ऐड कर देते हैं तो सिक्स हंड्रेड थर्टीन फोर ट्वेंटी वन और सेवन हंड्रेड ये सब ऐड हो गए हैं हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का ये सब को ऐड कर दिया थ्री वन फोर आ जाएगा हमारे पास इसी तरह वन और टू थ्री आ जाएगा और इसके बाद सेवन फोर एलेवन एलेवन और सिक्स सेवन थ्री ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर हमारा फोर कंप्लीट हो गया आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में ट्राइक कर लीजिएगा स्ट्रच को और कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपका व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँ वहाँ पर आप हमें प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास है ऑफ फर्स्ट डीजर फ्रॉम द यानी दिन इंटीजर में से तो फर्स्ट को माइनस करना है तो फर्स्ट वाला का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला है एटीन फर्स्थ वाला है तो की वैल्यू इसी तरह अगर हम देखें तो सिक्स माइनस और माइनस का थ्री है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स प्लस थ्री ठीक है और ये हो जाएगा सिक्स थ्री माइन ये आपका सब फैक्शन हो गया ठीक है और सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट है माइनस फिफ्टी फोर इसमें से माइनस करना है माइनस का ट्वेंटी सेवन तो हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी माइनस का फिफ्टी फोर माइनस माइनस प्लस हो गया है ट्वेंटी सेवन माइनस का ग्रेटर है तो माइनस का साइन लगा देंगे ठीक है तो माइनस का साइन लगाने पर हमारे पास क्या आएगा फिफ्टी फोर में तो ट्वेंटी सेवन को माइनस कर देना है माइनस का ट्वेंटी सेवन आपके पास आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में देखिएगा माइनस का सेवन और माइनस करना है हमें ट्वेल्व दोनों साइड माइनस किया माइनस लगा के मैस दोनों को ऐड कर देंगे दोनों नंबर को सेवन और ट्वेल्व को ऐड किया नाइनटी हमारे पास आ जाने वाला है तो माइनस का नाइनटी डबाला आंसर आ गया क्वेश्चन फिफ्थ कंप्लीट अब हम करेंगे क्वेश्चन सिक्स अब क्वेश्चन सिक्स है इसको बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है माइनस थर्टी सेवन उसको रेड करना है माइनस थर्टी सेवन माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस फिफ्टीन और माइनस टू ये दो क्वांटिटी हमारे पास माइनस की है माइनस का हो जाएगा थर्टी नाइन और प्लस का हो जाएगा हमारे पास फिफ्टीन देंगे माइनस की क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर है तो उसको रेड करेंगे माइनस और हम थर्टी नाइन में से फिफ्टीन को माइनस करना है नाइन माइनस फाइव फोर बचेगा थ्री माइनस वन टू बचेगा तो माइनस का ट्वेंटी फोर हमारा आंसर आ जाएगा इसी इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं सबसे तो पहले सिक्सटीन को राइट करना है माइनस लगाएंगे बिग ब्रैकेट लगाएंगे ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इसके बाद फोर्टीन माइनस माइनस प्लस टू राइट कर देंगे फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लिख देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आएगी सिक्सटीन माइनस ठीक है और अंदर के ब्रैकेट के जो भी एलिमेंट है सबको हम ऐड कर देंगे फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी टू माइनस का हमारे पास ग्रेटर है माइनस लगाकर ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन हमारे पास कितना हो जाएगा सिक्स तो हमारे पास आंसर नहीं देख दिया जाएगा माइनस का सिक्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है तो सेवेंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर यूजिंग ग्रेटर देन यस दिन और इक्वली पिल इन द बॉक्सेज टू मेक इच स्टेटमेंट ट्रू अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एलेक्स हमारे पास दी गई है माइनस वन प्लस माइनस फाइव अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस फाइव और वन दोनों माइनस से माइनस लगाकर दोनों पर एड कर देंगे सिक्स आ जाएंगे माइनस सिक्स सेकेंड से पार्ट में हमारे पास क्या है माइनस सेवन और माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस तो फाइव राइट कर देंगे माइनस की क्वान्टिटी हमारे पास ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगाएंगे सेवन में से फाइव को माइनस करेंगे ठीक है डायरेक्ट ये कर देंगे सेवन माइनस फाइव यानी हमारे पास आ जाएगा कितना टू आ जाएगा ठीक है तो माइनस का टू हमारा आंसर आ गया अब माइनस सिक्स फार अवे फ्रॉम जीरो इनकम्पेरिजन ऑफ माइनस टू तो यहाँ पर हमारा साइन आ जाएगा माइनस सिक्स छोटा हो जाएगा लेस हो जाएगा माइनस टू से ठीक है तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे लेस देन का ठीक है तो इस तरह से करेंगे आप तो इसको आप राइट कर लीजिएगा ठीक है और आप जहां पर बॉक्स दिया है बॉक्स में आप क्या कर देंगे लगा देंगे का साइन। ओके, देखिए, आपके पास फोर्टी टू और ट्वेल्व, ये दो दे रखे तो और माइनस करेंगे थर्टी फाइव को लेफ्ट की तो हमारे साथ ऐसा और फोर वाइनस थ्री वन हो जाएगा ठीक ये हो गया और इतना यहाँ पर जब निकाल लेंगे माइनस जहाँ पर हमारे वैल्यू लगाएगी फोर्टी सेवन यानी ये आएगा माइनस का फाइव तो आप जानते हैं पॉजिटिव वाली और निगेटिव वाली से ग्रेटर उठूंगा ठीक है तो ये स्टेप यहाँ तक आप राइट कर लीजिएगा इस वे कर रहा हूँ मैं तो हमारे पास नेगेटिव वाला ग्रेटर हो गया इट मीनस हमारी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो जाएगी यहाँ पर हमने ग्रेटर कर पाएंगे ठीक है सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट अब थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर तो प्लस, कितना प्लस, तार्थ, तार्थ, थार्थ, थार्थ, अब जब हम आरच को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस वन और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू राइट और माइनस थ्रा थ्री ये दोनों क्वान्टिटीज हमारे पास माइनस की है तो हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्रा तो प्लस और हमारे पास मा है माइनस हो जाएगा का थर्टीन वाला ग्रेटर होगा तो यहाँ पर हम अपने जो क्वेश्चन है उसके बॉक्स में क्या राइट कर देंगे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है अब हमारे पास है पार्ट

ठीक well, तो है तो माइनस का राइट है, प्लस के दो नंबर को ऐड कर लेंगे हम ठीक है हो जाएगा आप ऊपर इलेवन माइनस नाइन टू बचेगा बचेगा आपके पास थ्री थर्टीन माइनस फाइव ठीक है आपके पास बचेगा एट और वन वन माइनस जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्वान्टिटी निकल कर जैसे एट्टी टू अब आप जानते हैं ये नेगेटिव क्वान्टिटी है और ये पॉजिटिव क्वान्टिटी है एट्टी टू तो माइनस का थर्टी आपका लेफ्ट हो जाएगा तो हम अपने फिलअप में क्या राइट कर देंगे लेस देन का साइन राइट कर देंगे ठीक तो है क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास यहाँ पर

फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव आता तो हमें सेकंड चेक करना पड़ता सेकंडटिव आया था थर्ड चेक करना पड़ता इस तरह से हम चार ऑप्शन चेक करते तो फर्स्ट वाला ही हमारा पॉजिटिव हो गया तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट ए ऑप्शन इज नॉट निगेटिव क्लियर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है फर्स्ट इन ए क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स वर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स गिवन फॉर इन करेक्ट आंसर

में हमारे इसका फाइव राइट करेंगे प्लस माइनस फिफ्टीन और प्लस ट्वेंटी अब आप देख पा रहे हैं थर्टी और ट्वेंटी ये दो क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी फिफ्टी ठीक है माइनस लगाकर सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस फिफ्टीन इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्वान्टिटी निकल के आती है ऐड करने पर ठीक है वो हम ऐड करते हैं फोर्टी तो फिफ्टी माइनस हमारे पास हो जाएगा एट ठीक है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये नाइन कंप्लीट हो गया अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास वट इज द वैल्यू ऑफ जीरो माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस सेवन डॉट 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 और ट्वेंटी तक हमारे पास ये एक सीरीज जेरे इसकी है तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस वाले नंबर हैं तो जो हमारे ऑड प्लेस पर आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं तो हम इसको कुछ स्टेप्स राइट करेंगे ज़ीरो प्लस टू प्लस फोर प्लस सेक्स प्लस एट प्लस टेन जो नंबर हमारे आ रहे हैं एटीन तक सॉरी ट्वेंटी तक तो वो सारे पॉजिटिव हैं इसको इस तरह से हम राइट कर लेते हैं प्लस फोरटीन प्लस सिक्सटीन प्लस एटीन ठीक है और प्लस ट्वेंटी ये सब हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए माइनस लगा कर तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा और जितने भी वर्षे से लेकर नाइन्टी तक हमारे नंबर हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया है कि हमारे पास हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस प्लस नाइनटीन ठीक है तो जीरो से लेकर जब आप ट्वेंटी तक के ये सभी नंबर एड करेंगे तो आपके पास आएगा वन हंड्रेड टेन फिर माइनस लगाएंगे और वन से लेकर नाइनटी तक के जब सभी हम वार्ड नंबर को एड करेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारे पास क्वान्टिटी हंड्रेड राइट तो हम हंड्रेड एड कर देते हैं तो माइनस करने पर आएगा हमारे पास आंसर टेन तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है तो स्टेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई है आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एज सोन एज पॉसिबल हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे वीडियो को थ्री फोर टाइम्स जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो ठीक है वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वे लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए तो बस आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ